दुबई की दूसरी लड़ाई। जी हाँ, नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक मिश्रा। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात खेल के मैदान से खबर की करेंगे, जहां भारत और पाकिस्तान का इस वक्त मैच चल रहा है। एशिया कप में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान भिड़ रही है और देखिए, पहले टॉस पाकिस्तान ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस वक्त भारत की टीम खेल रही है और करीब 17 ओवर खत्म होने के बाद 150 रनों का टारगेट, हम अभी तक 150 रन तो बना चुके हैं, लगभग 151 रन बन गए, अभी भी करीब 3 ओवर का खेल शेष बचा है और हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया 180 रन का कम से कम बड़ा टारगेट दे। अगर 180 रन का भी टारगेट पाकिस्तान को मिलता है तो एक बड़ी चुनौती होगी पाकिस्तान के लिए। हालांकि हार्दिक पांड्या शून्य पर आउट हुए और उन्होंने थोड़ा सा निराश किया, लेकिन शुरुआत काफी अच्छी रही। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बहुत शानदार ओपनिंग की, दोनों ने 28-28 रनों का एक तरह से हम कहें योगदान दिया टोटल टारगेट में। विराट कोहली इस वक्त काफी अच्छा खेल रहे हैं, अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर है। इस वक्त विराट कोहली 47 रनों पर खेल रहे हैं, 3 रन के बाद विराट कोहली की अर्धशतक हो जाएगी। और ओवरऑल टारगेट की हम बात करें तो जाहिर है भारतीय टीम चाहेगी पाकिस्तान को 180 रनों के करीब, 180 रनों के ऊपर का टारगेट दिया जाए। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, खेल अभी भी चल रहा है, करीब 15 गेंदों का खेल शेष बचा है और जाहिर है कोशिश यही होगी बैट्समैन की, विराट कोहली की, कि 180 रनों से ऊपर का टारगेट पाकिस्तान को दें। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आज भारतीय क्रिकेट टीम की जो शैली थी वो बड़ी दिलचस्प रही और ये काफी, मुझे लगता है कि इस पर काफी विचार करके उन्होंने इसको अपनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस बड़े मैच का दबाव नहीं रखेंगे और शुरू से ही एग्रेसिव बैटिंग करेंगे। और पहले ही ओवर में कैप्टन ने अपना साफ कर दिया कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एग्रेसिव बल्लेबाजी की और पहले ही ओवर से उन्होंने एक बढ़त लेके आगे बढ़कर पाकिस्तान पर एज लेके खेलना शुरू किया और उसी का तुर्की बतुर्की जवाब दिया केएल राहुल ने, तो बहुत ही शानदार शुरुआत रही और इससे एक बड़ी ताकत मिली इंडियन क्रिकेट टीम को। और पाकिस्तान का जो इस बड़े मैच का प्रेशर था, क्योंकि टॉस भी उन्होंने जीता था और बैटिंग करने के लिए कहा, तो वो सारा प्रेशर जाता रहा। और जैसा आप कह रहे थे, 180 से ऊपर का स्कोर यहाँ कठिन स्कोर होगा, हालांकि बाद में गेंदबाजी करना आसान नहीं होता, ड्यू फैक्टर और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप 170 या 175 या उससे ऊपर का स्कोर लेके मैदान में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो अपोजिशन पर बहुत दबाव होता है और पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो कमजोर नहीं है, लेकिन 170 के स्कोर पर निश्चित तौर पर कहीं उसको एक दबाव, एक प्रेशर बनेगा और वो अपना खेल दिखाएगा। यहाँ काफी दिलचस्प बात यह है कि स्पिनर्स के लिए ये पिच बहुत अच्छी है, भारत के पास फिरकी गेंदबाजों का अच्छी बेंच है हमारे पास, तो मुझे लगता है कि इस मैच में दारोमदार स्पिन गेंदबाजों पर काफी हद तक रहेगा। हमारी जो स्पिन बैटरी है वो किस तरह से इस मैच में परफॉर्म करती है गेंदबाजी के दौरान, वो देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन अभी पड़ला निश्चित तौर पर भारत का भारी दिख रहा है दीपक। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल विराट कोहली काफी अच्छा खेल रहे हैं, अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर है और अभी भी 2 ओवर का, लगभग 2 ओवर का खेल बचा है।